मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनावी मैदान पर उतारा है। ऐसी एक सीट सतना विधानसभा की, जिसमें चार बार के सांसद गणेश सिंह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में सतना विधानसभा सीट से उतारा। उनसे बात की हमारे संवाददाता मृदुल पांडे ने। पांच राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व ने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान पर उतारा है। सतना सीट भी उनमें से एक सीट है, जिसमें चार बार के लोकसभा सांसद गणेश सिंह को मैदान पे पार्टी ने उतारा है। सांसद गणेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार कैसी चुनौती उनके लिए होगी? सांसद जी, आज चुनाव की तारीख आ गई है, बेसब्री से सभी को इसका इंतजार था, आपको भी रहा होगा। कैसी तैयारी है, क्या लग रहा है, जनाधार किस ओर है? भारतीय जनता पार्टी तो 12 महीने 7 दिन कोई न कोई कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जाती रही है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के इतने कार्यक्रम दे रखे हैं कि हम लोग लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं। अब तक लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है, चार बार सांसद भी बने हैं, अब की बार विधानसभा चुनाव, कितनी चुनौती मानते हैं इसको और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच होंगे? देखिए, चुनौती तो मैं नहीं मानता कि कोई चुनौती है। कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आखिरी सवाल है मेरा, सतना विधानसभा में देखा जाए तो ब्राह्मण मतदाता और व्यापारी वर्ग निर्णायक भूमिका पर रहता है, क्या लगता है वो किस ओर रहेगा और आप उनको साधने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सतना विधानसभा चूंकि ये मुख्यालय है, ये चुनाव विधानसभा का सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने भर का नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव हमें 2024 में फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है। ये हमारा सेमीफाइनल है, हमारा फाइनल तो 24 में है। तो हम अभी से, चूंकि मध्य प्रदेश हमारा रूलिंग स्टेट है, इसलिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरी ताकत के साथ हमने मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है और इसके बाद फिर 24 में हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। तो हमारी पूरी तैयारी है कि ये सेमीफाइनल और फाइनल दोनों को ध्यान में रख करके चुनाव मैदान में हम लोग आए हैं, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और चुनाव जीत करके और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का बनाएंगे, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर बनाएंगे। तो ये थे सतना के सांसद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सतना सीट से प्रत्याशी भी हैं। इन्होंने अपने जीत का दम भरा है, लेकिन इंतजार उस तारीख का है जिस दिन जनाधार सामने आएगा और देखना होगा कि जनता जीत का सहरा किसके सर बांधती है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।